हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा एवं उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव ने बुधवार को स्थानीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय चौहट्टन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई अनियमितताएं पाई गई। वहीं निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई स्कूली बच्चे पानी के टाके से पानी निकालते हुए मिले। बच्चों से सफाई करवाने को लेकर उन्होंने विद्यालय स्टाफ को फटकार लगाई। वहीं मोबाइल का उपयोग कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को ऐसा न करने का निर्देश दिया गया। प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में प्रवेशोत्सव नहीं मनाए जाने व बच्चों के कम प्रवेश होने को लेकर भी कारण पूछे गए तथा प्रधानाचार्य नंदलाल चौहट्टन व प्राथमिक प्रभारी केशी चौधरी को निजी तौर पर 10-10 नामांकन करवाने का लक्ष्य दिया गया। SDM भूपेंद्र यादव व जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने प्रधानाचार्य को विद्यालय प्रबंधक को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। वहीं पाई गई खामियों को लेकर फटकार भी लगाई। व्यवस्थाओं को लेकर के हमें पहले भी शिकायतें मिली, हम रेगुलर चेकअप भी करते हैं, देखते हैं, विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। आज DO साहब के साथ में विद्यालय का निरीक्षण किया है, कमियां बहुत हैं, सुधारने के निर्देश दिए हैं। कुछ पानी को लेकर के कमियां मिली हैं, बच्चों का डिसिप्लिन नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, प्रिंसिपल साहब की कुछ कमियाँ हैं, तो आज निर्देश दिए हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ हम करें। आज किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की? कार्रवाई के लिए अभी जो जो भी नामजद किए हैं, जो दो चार व्यक्ति जो कमियाँ पाई गई हैं, इस पुशार में कुछ कमी मिली है, प्रिंसिपल के मैनेजमेंट प्लान में कुछ कमी है, तो उनको नोटिस दिए जाएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर से जागरूक TV की रिपोर्ट।